सो फाइनली टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 3 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और सिनेमाघरों में रिलीज होते ही इस फिल्म के प्रति रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म का निर्देशन किए हैं अहमद खान और अहमद खान के निर्देशन में बनी फिल्म में टाइगर श्रॉफ जबरदस्त और हैरत अंगेज एक्शन सीन करते हुए नजर आने वाले हैं। यह फिल्म हिट फ्रेंचाइजी बागी की तीसरी सीरीज है। बागी 3 में अंकिता लोखंडे, रितेश देशमुख भी अहम रोल में दिखाई देने वाले हैं। साथ ही दिशा पाटनी का कैमियो रोल भी फिल्म में होने वाला है। फिल्म के रिलीज होने के साथ ही सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा बज हमें देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों ने बागी 3 को शानदार फिल्म बताया है। टाइगर के एक्शन सीन और परफॉर्मेंस की तारीफ भी की गई है। इसे बेस्ट एक्शन मूवी में बताया गया है। फैंस का अनुमान है कि फिल्म आसानी से 200 करोड़ क्लब में एंट्री कर लेगी। बागी 3 को लेकर सोशल मीडिया पर उमेर संधू नाम के एक यूजर ने यूएई सेंसर बोर्ड के मेंबर के हवाले से बागी 3 का रिव्यू दिया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, ये पूरी तरीके से एक मसाला एंटरटेन फिल्म है जिसमें एक्शन सीन की भरमार है। पूरा फोकस एंटरटेनमेंट पर है। बिना किसी शक के ये फिल्म बॉलीवुड की हालिया समय में रिलीज हुई बेस्ट एक्शन फिल्म है। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर है। फिल्म को 4 स्टार दिए गए हैं। टाइगर की फिल्म को पैसा वसूल बताया है। टाइगर के परफॉर्मेंस की भी जमकर तारीफ की गई है। इसी के साथ ही आपको भी बताना चाहेंगे कि ट्रेंड पंडितों का भी मानना है कि बागी 3 पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई करते हुए नजर आ सकती है। कयास है कि फिल्म पहले दिन 25 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लेगी। अगर ऐसा हुआ तो ये फिल्म बागी 2 के फर्स्ट डे कलेक्शन को पछाड़ देगी। आपको ये बताना चाहेंगे कि बागी 2 ने पहले दिन करीब 25 करोड़ रुपए की कमाई की थी और फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन करीब 164 करोड़ के पास था। वेल दोस्तों, देखना वाकई दिलचस्प होगा कि बागी 3 का फर्स्ट डे कलेक्शन कितने करोड़ रुपए होता है। साथ ही जिस हिसाब से लोगों का इस फिल्म के प्रति रिएक्शन आ रहा है, उस हिसाब से साफ कहा जा रहा है कि फिल्म बागी 3 रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती हुई नजर आ सकती है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है और बागी 3 आपको कैसी लगी? साथ ही इस खबर पर आपको क्या कहना है, कॉमेंट कर अपना सुझाव जरूर दीजिए।